ना हुआ फल संसार, दो नाबालिगों के साथ युवक ने किया कुकर्म। सरसों के खेत में किया कुकर्म, पैसे का लालच देकर 20 वर्षीय युवक ने किया कुकर्म। प्रधान के भतीजे ने दिया घटना को अंजाम। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर की घटना। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर वरकरा गांव निवासी एक युवक द्वारा दो नाबालिगों को पैसों का लालच देकर लाही के खेत में ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने स्थानीय थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसके दो नाबालिग पुत्र, एक 4.5 साल तथा दूसरा 7 साल उम्र में उसके पुत्र घर के बाहर खेल रहे थे। वहीं पीड़ित के परिजनों ने गांव के आशीष लोधी पुत्र गिरजा शंकर उम्र लगभग 22 वर्ष पर उसके दोनों नाबालिग बेटों को पैसे का लालच देकर गांव के पास खड़ी लाही के खेत में ले जाकर अप्राकृतिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। परिजनों ने बताया कि पीड़ित नाबालिगों द्वारा किसी तरह भागकर और घर आकर जान बचाई तथा पूरी हकीकत पर घर वालों को बताने की बात कही, जिस पर नाबालिग पीड़ित के घर वाले आरोपी युवक के घर शिकायत करने पहुंचे तो आरोपी युवक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने की बात कही। वहीं पीड़ितों के परिजनों की माने तो पुलिस शाम तक सुलह समझौता करने की बात करती रही। रात में परिजनों के न मानने पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पास्को एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू करते हुए दोनों नाबालिग पीड़ितों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया और आरोपी युवक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सादुल्लापुर के नर्वतमान प्रधान के भाई का बेटा बताया जा रहा है। बेटा कौन से गांव रहते हो? करम। क्या दिक्कत हुई थी? कहाँ थे तुम? क्या दिक्कत हुई? हम प्रधान के द्वारे मिलने वाले के रहे तब लिया पर्यावरण जब तब भगा दिन। कौन था, कौन किसने ये सब किया? आशीष। कहाँ के निवासी हैं? मुझे गांव के। गांव के ही? बेटा कौन से गांव रहते हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या दिक्कत हुई थी? कहाँ थे तुम? क्या नाम था उनका? भैया किस गांव रहते हो और क्या मामला है? सादुल्लापुर निवासी और पुखरा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव घर के बाहर खेल रहे थे, वहां पर आशीष आया, पैसों का लालच दिया, उन्हें लेकर खेत गांव के बाहर लाही के खेत में ले गया। वहां पर उनके साथ में गलत काम किया, मारपीट भी की। जब बच्चे भाग के आए घर में बताया तो हम लोग जाकर उनके माता पिता से कहा तो उन लोगों ने जान से मारने की हमको धमकी दी। तो थाने में फतेहपुर चौरासी आए तो वहां पे कम्प्लेन की, एप्लीकेशन दी, तो वहाँ कार्रवाई चल रही। अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं चली कि वो पकड़े जाए। कोई आश्वासन पुलिस ने दिया अभी तक? आश्वासन ये दे रहे कि समझौता कर लिया जाए, कर लो तो अच्छा रहेगा।